आज हमें बड़ी खुशी है कि महान दल के हमारे संस्थापक एवं कुशवा समाज के नेतृत्व करने वाले हमारे केशव देव मौर्य साहेब जो हमारे समक्ष खड़े हैं, इन्होंने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक नई सोच विचारधारा का निर्माण करने के लिए, जहां हर समाज हर वर्ग का उत्थान, उनकी विकास, उनकी प्रगति और एक समन्वय राष्ट्र की विकास और प्रगति के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी भविष्य सुरक्षित रहे, इस क्षेत्र का विकास हो, जो राहुल गांधी जी की सोच है, प्रियंका गांधी जी की सोच है, सोनिया गांधी जी की सोच है, उसी सोच के साथ मिलकर हमारे साथ महान दल इस संग्राम में कार्य करेगा। एक ऐसी सरकार स्थापित करने के लिए केंद्र में और उसके बाद प्रदेश में जो लोखनमुखी हो, जनता की सेवा के लिए तत्पर हो, गरीबों के उत्थान के मुद्दों पर स्थापित हो और एक सशक्त भारत, एक सशक्त उत्तर प्रदेश, एक न्यायपूर्ण भारत, न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश और राहुल जी की सोच और विचारधारा के अंतर्गत आज केशव मौर्य जी ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इस पथ पर अग्रसर होने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता के तरफ से और राष्ट्र की जनता के तरफ से हम केशव मौर्य जी का स्वागत करते हैं और हम संकल्पित हैं कि ऐसे शक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सरकार केंद्र में और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, जो जनता के लिए पूर्ण रूप से, संकलित रूप से कार्य करे। तो आज केशव जी की स्वागत करने के लिए प्रियंका जी स्वयं उपस्थित हैं और उसी लक्ष्य के साथ आप सबके साथ हम लोग उपस्थित हैं। अब केशव जी बोलेंगे। पहले भी जब महान दल का गठन हुआ था 2007 में, 2009 के पहले ही लोकसभा चुनाव में महान दल का कांग्रेस का समझौता रहा, दो सीट हमें मिली थी उस समय चुनाव लड़ने के लिए, और 2014 में भी हमारा समझौता रहा। दुर्भाग्य से हम विधानसभा के चुनाव में साथ नहीं रहे। इस लोकसभा में जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, इसके पहले की जो सरकारें थी दलित पिछड़ों के नाम पर, चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने आरक्षण के लिए बहुत हो हल्ला तो मचाया। कल अखिलेश यादव जी एयरपोर्ट में बड़ा बवाल मचा रहे थे पिछड़ों का आरक्षण के लिए, लेकिन उस पिछड़े आरक्षण में से यादव समाज के अलावा कुशवाहा की सबसे बड़ी आबादी है, निषाद की आबादी है, राजभर की आबादी है, नाई की आबादी है, उन पिछड़ों को कितना परसेंट दिया है क्या अखिलेश यादव जी या बहन कुमारी मायावती बताने का कष्ट करेंगे? उन्होंने कभी भी हिस्सेदारी की बात नहीं की, और जब लड़ाई हिस्सेदारी की है, जब हिस्सेदारी के नाम पर आपने दलित पिछड़ों को गोलबंद किया, हम सभी लोग आपको वोट दिए, हम सभी लोगों ने आपका समर्थन किया, लेकिन जब आप सरकार में आए
कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को हटाकर गाली देकर विरोध कर, तब उस समय आपको हिस्सेदारी याद नहीं आई कि दूसरे भी पिछड़ी जाति में लोग हैं उनको भी मिल रहा है। तो जो आज हो हल्ला मचा रहे हैं रोस्टर के नाम पर यूनिवर्सिटी में, उसमें कितना परसेंट दूसरे पिछड़ों को मिलेगा, अति पिछड़ों को मिलेगा। बीजेपी से तमाम बार इस बात की मांग की गई कि पिछड़ी जात का हिस्सा बांट दिया जाए, पिछड़ी जात में अति पिछड़ों को अलग कर दिया जाए, हम जैसे पिछड़ी जातियों को अलग कर दिया जाए, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो पिछड़ों के आरक्षण और दलितों के आरक्षण को टुकड़े में बांटेगी सबको, जिससे हिस्सा मिल सके। मैं कांग्रेस के साथ पिछले समय में भी रहा, इस बार भी कांग्रेस के साथ हूं, और अब आगे जब तक कांग्रेस के साथ रह सकता हूं, और मेरा विश्वास है कि आगे विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव या जितने भी चुनाव होंगे कांग्रेस के साथ ही रहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सबकी बात करती है और सबको हिस्सेदारी की बात करती है। आप पुरानी सरकारों को देख लें तो कांग्रेस के समय में सबको हिस्सा मिला। बाकी मैं दुखी होकर कहना चाहता हूं कि जो दलित पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्होंने किसी को हिस्सा देने का प्रयास नहीं किया, न कोशिश की। इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथ अलायंस में खड़ा हूं, साथ में हूं, पूरी मेहनत से 2019 का लोकसभा जितना ताकत होगी महाआंदोलन की एक एक कार्यकर्ता लगाकर पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस को मजबूत करूंगा। 2022 में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने में प्रयास करूंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मौर्य जी का स्वागत करना चाहती हूँ, हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे जी, और राहुल जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि एक ऐसी राजनीति का हम यहाँ पे निर्माण करें जिसमें सब भागीदार हो, जिसमें सब वर्गों, सब समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, और उसी के प्रति ये एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम इसको मजबूती से करें, और ये लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है इसको एकदम जीत जान से लड़ें। हम जीत जान से लड़ेंगे।